नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो स्टैटिस्टिक्स का है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिस यूनिट का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर ऑफ लोकेशन या फिर एवरेज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़कर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल करके सब्सक्राइब और प्रेस करके बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी को अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जाना कि उसके बहुत सारे डिफरेंट नाम है, आपको बुक में भी अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि सेंट्रल टेंडेंसी को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो आप लोग वहां पे ये लिख सकते हो मेजर ऑफ लोकेशन, एवरेज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और कई लोग इसे शॉर्ट में मीन मीडियन मोड का भी चैप्टर कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मीन मीडियन मोड के बारे में जानेंगे। आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे। दोस्तों मैं अपने चैनल के थ्रू आपको सॉल्यूशन देता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा सवाल नहीं करवाता हूँ, क्योंकि हर एक चैप्टर में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर हर सवाल को लेने लगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो और बहुत टाइम भी कंज्यूम होगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस देता हूँ कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे। बाकी प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब हम लोग अपने वीडियो की तरफ आते हैं। तो जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी में जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करते हैं। पॉपुलेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक सैंपल को लेकर। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग स्टार्टिंग से समझ में आ रहे हैं कि एक सैंपलिंग करते हैं और सैंपलिंग के साथ हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं। चाहे वो पूरी दुनिया का पॉपुलेशन कैलकुलेट करना हो, या फिर आपको अपने क्लास में कितने लोग हैं उनका कैलकुलेशन करना हो, या फिर उन क्लास के स्टूडेंट्स के कितने सारे मार्क्स आए, कौन कौन से मार्क्स आए हैं और किसने कितना परसेंटेज किया, उसका एवरेज निकालना हो, ये सारा चीज हम लोग इसके थ्रू करते हैं। मीन मीडियन मोड के थ्रू करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू। ठीक है, ये कहीं भी यूज होता है, एज निकालने में, सैलरी डिस्कशन करने में, वेजेस, इनकम, कुछ भी, एक्स वाई जेड, जहां भी आपको कैलकुलेशन करना है, जहां भी किसी भी एरिया में आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो आपको वहां पे स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। अगर आप बीबीए से हो, एमबीए से हो, बीकॉम से हो, एमकॉम से हो, क्लास 11, 12 कहीं से भी हो, आपके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में इसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते भी है और सबसे इजी भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो को तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज, ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं कि इसके अंदर एवरेज जो होता है वो मीन मीडियन मोड के थ्रू होता है। लेकिन मीन किसके अंदर आता है, मोड किसके अंदर आता है, मीडियन किसके अंदर आता है, वो हम लोग समझते हैं। तो स्टैटिस्टिकल एवरेज को हम लोग तीन पार्ट्स में बांटते हैं। मैथमेटिकल, पोजिशनल और अदर्स। आज के स्टूडियो में हम लोग मैथमेटिकल के ऊपर में ज्यादा बात करेंगे। तो मैथमेटिकल के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं, एक सिंपल मीन और एक वेटेड मीन। सिंपल मीन के अंदर तीन आते हैं, एक आता है एरिथमेटिक मीन, एक आता है ज्योमेट्रिक मीन और एक आता है हार्मोनिक मीन। अब इन तीनों मीन को हम लोग आगे डिटेल्स में समझेंगे और पोजिशनल के बारे में बात करते हैं। पोजिशनल के अंदर आते हैं दो थिंग, एक मीडियन और एक मोड। मीडियन के अंदर आते हैं क्वार्टाइल, डिकाइल, परसेंटाइल और भी आगे बहुत सारी चीजें होते हैं जो ऑप्शंस आपको अगर आपके बुक में दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो आप ये तीन को मान कर ही चलिए कि ये तीन तो कैलकुलेट होते ही हैं। और साथ में मोड और अदर्स में और भी दूसरे तरह के कैलकुलेशन आते हैं, इन सभी के हम लोग बाद में आएंगे। आज के स्टूडियो में हम लोग बात करेंगे एरिथमेटिक मीन के ऊपर, जहां पे हम लोग इसकी सीरीज के बारे में और इसके कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो है एरिथमेटिक मीन। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एरिथमेटिक मीन को सॉल्व कैसे करते हैं। एरिथमेटिक के भी तीन सीरीज होते हैं और तीन मेथड्स होते हैं। मेथड्स यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, शॉर्टकट एजम्पशन या फिर स्टेप डिविएशन। ठीक है, और अभी हम लोग इसके सीरीज कौन सा करें, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे कि डायरेक्ट में आपको एक नंबर दिया, एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं, उसको कैलकुलेट करके बताना कि क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, उन बच्चों का मार्क्स कितना आया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्लास में एक है एक्स निकालना है, एक्स बच्चे हैं, एक्स में से किसी का 10 आया है, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। ठीक है, अब इनको हम लोग को 12x निकालना है, 12x यानी कि सिग्मा x निकालना है। अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि आप इनको ऐड कर दो और जितना नंबर है उसके साथ डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका 12x निकाल रहे हैं, 12x निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 280। ठीक है, 280 आ रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, x सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा n। ठीक है, अब यहाँ पे x जो है हमारा 280 आ रहा है, तो 280 डिवाइडेड बाई एन, एन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 के साथ। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 40। ये आपका एक्स हो गया, ठीक है, बार एक्स आपका 40 हो गया। ओके, अब बात करते हैं शॉर्टकट का, शॉर्टकट या फिर एजम्पशन का। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है एक्स, एक्स में मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ 70। अब हम लोग यहाँ पे निकालना है ए, यानी कि एजम्पशन पहले निकालना है। तो यहाँ पे ए किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, एजम्पशन हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी सीरीज दिया हुआ है, एजम्पशन कहीं से भी कुछ भी ले लेना, कोई भी सीरीज दिया है, एक से लेकर 100 तक, 100 से लेकर 1000 तक, या 1 से 1000 तक, आपको वैसा सीरीज लेना है जिसको आप वोकल तरीके से एग्जाम के टाइम पे काट सको, क्योंकि ग्रेजुएशन वालों को तो कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन स्कूल वालों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्जाम के टाइम पे। तो आपको ऐसा एजम्पशन लेना इन सीरीज में जो आप तुरंत वोकल तरीके से उसको माइनस कर सको और लेस कर सको। ठीक है, तो इसका ए एजम्पशन हम लोग मान लेते हैं, इसका एजम्पशन 40 इसका एजम्पशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं इक्वल टू 40। ठीक है, अब 40 यहाँ पे जो है वहां पे हम लोग जीरो लिख देते हैं। अब 40 में से 30 गया, 10 बचा, -10। 40 में से 20 गया, -20। 40 में से 10 गया, -30। अब यहाँ पे जो आ रहा है +10 है, +20 है, +30 है। ठीक है, ये जीरो है, 40 हम लोग का एजम्पशन है। अब जो हम लोग का ए निकल रहा है वो हो जाएगा हम लोग का सिग्मा ए, या फिर फॉर्मूला का ए मान लेते हैं, ए इक्वल टू इतना हम लोग का 40 है। ठीक है, ए इक्वल टू 40 हम लोग एजम्पशन लिए हुए। अब सिग्मा एक्स कितना हो जा रहा है, सिग्मा एक्स या फिर इसको एन मान लेते हैं, अगर एक्स ही लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग का 7 हो जा रहा है, सिग्मा एक्स 7 है। अब हम लोग को इसका एक्स माइनस ए निकालना है, यानी कि हम लोग का इसका एक्स डी निकालना है। तो एक्स डी के लिए कितना क्या करना होगा, एक्स माइनस ए इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं। अब वो कैसे होगा, तो वो होगा कि जो हम लोग का हम लोग एजम्पशन ये उसको इसके साथ फिर से रिकैलकुलेट करेंगे। रिकैलकुलेट जब करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो सिग्मा डी एक्स आएगा, क्योंकि एक्स माइनस ए के बाद डी एक्स आ रहा है। अब जो हमारा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा कि बार एक्स है, ए प्लस है, मतलब कि 40 प्लस, अब डी एक्स जो सिग्मा में है, बाई सिग्मा एन, एन या फिर एक्स आप इसको लिख सकते हो 7, और जो आपका कैलकुलेटर होगा वो आपका शॉर्टकट एजम्पशन होगा। ठीक, ये तो आ गया आपका शॉर्टकट एजम्पशन के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं स्टेट डिवीजन के ऊपर, स्टेट डिवीजन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। स्टेट डिवीजन में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया 10 का माइनस 30 है, 20 है, सेम उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है एक्स और यहाँ पे ए। ठीक है, अब ये दिया हुआ है 10 माइनस 30 दिया हुआ है, 20 माइनस 20 दिया हुआ है, मान लीजिए 30 माइनस 30 दिया हुआ है, सॉरी 10 दिया हुआ है 10, 40 माइनस 0 50 10, 60 20 70 30 इस तरीके से दिया हुआ है। अब हम लोग को इसका पहले ये तो dx जो निकल रहा है वो भी लिख देना है, जो dx हमारा है इसको हम लोग यहाँ से ऐसे लाइन दे देते हैं, जैसे आपको अच्छे समझ में आए। ये dx भी समझ में आ रहा है कि आपको dx किस तरीके से आ रहा है इनको कैलकुलेट करके। ठीक है, अब हम लोग को इसका निकालना है b डैश कैसे निकालते हैं, b डैश हम लोग निकालते हैं कुछ इस तरीके से, x माइनस ए बाई सी, जिसको हम लोग b डैश कहते हैं जिसे हम लोग। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है x माइनस ए बाई सी, सी यानी कि कॉमन, जो उसका कॉमन आपने ले लिया। मान लीजिए इसका कॉमन जो है आपने c जो है कॉमन 10 लिया है, मान लीजिए इसका कॉमन जो है वो 10 है, तो अब 10 के हिसाब से आप उसे कैलकुलेट करोगे, तो जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे c। अब इसमें dx है तो ये सिग्मा dx निकल रहा है डैश में, डैश यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लेते हैं डैश d डैश, ये dx, ये a है, ये x है जिसको हम लोग n भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग n से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग n ही लिख देते ताकि आपको समझ में आए। सिग्मा n, सिग्मा a, सिग्मा dx और डी डैश, सिग्मा डी डैश। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि पहले तो ये x है, x लिख दो, फिर ये a है, a प्लस कर दो, फॉर्मूला लिखना है हम लोग को। अब इसका फॉर्मूला कर लास्ट में यहाँ पे c लिख दो, c यानी कि d डैश है, आपका जो कॉमन है c यहाँ पे 10 उसको कैलकुलेट करोगे, और आपका जो फॉर्मूला निकल रहा है वो कुछ इस तरीके से निकल रहा है, सिग्मा d डैश by सिग्मा n। ये आपका इसका फॉर्मूला है, a प्लस डी डैश माइनस एन बाई एन इंटू
सी सी एम की कॉमन, अगर यहाँ पे कॉमन में 10 निकल रहा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10, आपका डी ए जितना है वो है 40, ए यानी कि 40, और आपका जो कैलकुलेट हो गया यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है उसको यहाँ पे और इसका यहाँ पे लिखेंगे, एन 7 आ जाएगा, टोटल जो हमारा रहेगा वो डी डैश के अंदर आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो नहीं समझ रहा तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखो, मैं कहता था कि ये कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, अगर आप नोटबुक लेकर भी लिख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इंडिविजुअल में डायरेक्ट जब रहता है तो जो भी सीरीज दिया उस सीरीज को हम लोग कैलकुलेट करके लिख देते हैं, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एन करते हैं, सिग्मा एन कैसे होता है इनको कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे आगे सिग्मा एन यानी कि 7, सिग्मा एक्स कैसे होगा कि इनको प्लस कर दो 10 plus 20, 30, 30 plus 30, 60, 60 plus 40, 100, 100 plus 50, 150, 150 plus 60, 210, 210 plus 7, 280, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट हो गया 280 बाई 7 हो गया और यहाँ पे सिग्मा एक्स जो निकल गया वो 40 निकल गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज करना है। शॉर्टकट है असम्पशन में कि आपको एक सीरीज दिया हुआ, उस सीरीज में से आपको किसी एक को भी कॉमन ले लेना है, यानी कि असम्पशन ले लेना है कि चलो 40 मेरा असम्पशन है, अब उसको कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद आपका जो एक्स निकल रहा है वो इस तरफ आ जा रहा है, एक्स यहाँ पे ये है ए प्लस 40 यानी कि 40 को आपको यहाँ प्लस करना है, और जो आपका टोटल करके निकल रहा है उसको डी सिग्मा डी को आपको सिग्मा एन के साथ डिवाइड करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। और ठीक उसी तरीके से स्टेप डिविजन में भी वही चीज हो रहा है कि आपको जो यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हो उसका एजम्पशन आप सेम रख रहे हो, उसका डीएक्स निकाल रहे हो, डीएक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका सिग्मा डीएक्स आ रहा है, और उसके बाद कॉमन निकाल के आपका एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी यानी कि डी डैश आ रहा है, डी डैश को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू ए प्लस फॉर्मूला सिग्मा डी डैश बाई सिग्मा एन इंटू सी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो समझ रहे, इसे कैलकुलेट अभी नहीं कर रही, एक एग्जाम्पल है, हम लोग क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, इसका जरूर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। तो फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है, फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब हम लोग इंडिविजुअल को समझ गए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका डिस्क्रीट के बारे में, अगर डिस्क्रीट हो जाएगा तो फिर किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं डिस्क्रीट के बारे में, डिस्क्रीट अरिथमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट होता है, डिस्क्रीट सीरीज जो है डिस्क्रीट सीरीज वो कैसे कैलकुलेट होता है डायरेक्ट में, शॉर्टकट में और स्टेप डेविएशन में। तो डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में जैसे कि आपको नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट में आपको नंबर दिया हुआ है एक्स जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालना है और उसका टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ एक्स निकालना है और सबका सिग्मा निकालना है। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, अब एक्स आपको दिया हुआ है मान लीजिए कि 10, अब आपको आप ये मार्क्स कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई क्लास है, किसी आप क्लास में हो या मैं एक क्लास में हूँ जहाँ पे कुछ बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से अब मार्क्स आए, अब मार्क्स मेरा आया है, मैं कुछ इस तरीके से निकाल दिया 10, 20, 30, 40। ठीक है, मान लीजिए अब मैंने बोला कि चलो बताओ बच्चों की 10 कितने का आया, कितनों बच्चों का 10 आया है, तो कुछ ने कहा कि सर मेरा आया, हाथ उन्होंने उठाया, सर मेरा है, तो मैंने गिना 4 लोगों का, फिर कहा कि 20 कितने का आया, तो उसने कहा कि 5 लोगों का, फिर 30 पूछा तो बोला 2 लोगों का, 40 बोला तो बोला 10 लोगों का। ठीक है, अब इतना आ गया, अब ये जो फ्रीक्वेंसी आया ना, इसके पहले जो इंडिविजुअल में हम लोग एक्स निकाले थे सिग्मा एक्स, अब वो हम लोग का हट जाएगा, अब हम लोग का जो सिग्मा एक्स होगा ना वो एफ का होगा यानी कि फ्रीक्वेंसी होगा। तो अब ये जो आ रहा है इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एफ निकलेगा, एफ कितना आएगा वो कैलकुलेट करके हम लोग को पता चलेगा। अब जैसे एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स कैसे होगा, तो एफ एक्स हम लोग मल्टीप्लाई में निकालते हैं, तो 10 माइनस 10 इंटू 4 हो जा रहा है यहाँ पे 40, यहाँ पे हो जा रहा है 100, यहाँ पे हो जा रहा है 60, यहाँ पे हो जा रहा है 40। ठीक है, इतने बच्चों का इस तरीके से मार्क्स आया है कि 100 लोगों का 100 नंबर आया है, 5 बच्चों का 20-20 आया है, तो 100 नंबर टोटल आया है उसमें 5 लोगों में से, फिर इसका इतना आया, इसका इतना आया, इस तरीके से, और ये एफ एक्स निकल रहा है, और ये एफ एक्स निकल रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बार एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का एक्स जो है मेन वैल्यू जो एवरेज का वो निकलेगा, कितने बच्चों का मतलब उस क्लास में बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना है वो हम लोग को इसके थ्रू पता चल जाएगा, वो होता है डायरेक्ट मेथड में। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट एजम्पशन के बारे में, शॉर्टकट एजम्पशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग को एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एफ निकालना है,
और आपने एफ एक्स भी निकाल लिया, चलो मान लेते हैं एफ एक्स निकाल लिया, लेकिन उसके साथ हम लोग को यहाँ पे एफ डी एक्स निकालना है। एफ डी एक्स कैसे निकलेगा, क्योंकि हम डी क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कोई भी जो डिजिट दिया है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 4 5 दिया हुआ है, 4 5 2 10 ये दिया हुआ है, इसको हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं, एक सीरीज में बैठा दिए, अब उसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो एज्यूम जब कर रहे हैं तो हम लोग का एफ डी एक्स निकल रहा है, एफ डी एक्स निकल रहा है, ठीक है। एफ डी एक्स जब निकल रहा है असम्पशन में, और वहां पे हम लोग का सिग्मा का फॉर्मूला आ रहा है एफ डी एक्स, यहाँ पे सिग्मा एफ और यहाँ पे बार एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स प्लस सिग्मा एफ, जो हम लोग का प्रीवियस फॉर्मूला था वही फॉर्मूला अब यहाँ पे फिर से यूज हो रहा है, सेम वही चीज जो हम लोग प्रीवियस इंडिविजुअल में हम लोगों ने फॉर्मूला जैसा यूज किया था, एजम्पशन निकाल लिया इनका में से किसी एक को, 10 को ले लिया एजम्पशन और इसको उसके साथ कैलकुलेट किया, तो एजम्पशन यहाँ पे 10 आ जा रहा है। एफ डी एक्स जो हम लोग कैलकुलेट करके आएगा वो है, और फ्रीक्वेंसी इनका जो कैलकुलेट करके निकल रहा है वो है, उनको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एक्स यानी कि ये जो सीरीज का नंबर है वो निकल जाएगा। तो ये हो गया शॉर्टकट एजम्पशन। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप डेविएशन में। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को सेम इंडिविजुअल के जैसा निकालना होता है कि जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, एफ डी एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे निकालना है एफ डी एक्स डैश। एफ डी एक्स डैश कैसे होता है, वो होता है x माइनस a डिवाइडेड बाई c, यानी कि कॉमन निकालते हैं। आप जब कॉमन जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल में देखा था, इंडिविजुअल में किस तरीके से कॉमन निकालते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग कॉमन निकाल के इसका कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स बार में यहाँ पे a प्लस इंटू सी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ डी डैश, नीचे में एक्स और सिग्मा एफ, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूला से इसे यूज करोगे, आपको ये फॉर्मूला स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, तो आप उस फॉर्मूला को ध्यान से उस तरीके से लिख दीजिएगा। अगर आप डैश नहीं भी दे रहे हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, डैश देने की जरूरत नहीं, आप ऊपर में हाइफन भी दे दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम लोग स्टेप डेविएशन भी निकालते हैं। ये तो हो गया डिस्क्रीट का बात, अब बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूअस। दोस्तों कंटिन्यूअस सबसे इंपॉर्टेंट है और वीडियो का आखिरी पॉइंट है, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का। कंटिन्यूअस सीरीज में भी 3 है, डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप डेविएशन। अब डायरेक्ट को हम लोग कंटिन्यूअस में किस तरीके सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। तो जैसे कि आप हम लोग डिस्क्रीट में एफ निकाल लेते हैं, अब यहाँ पे निकालेंगे एम, एफ भी निकल रहा है, फ्रीक्वेंसी भी निकल रहा है, एम भी निकल रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। और ये आपका होगा x, आपका f निकालना है, f निकालना और साथ में m निकालना है। तो यहाँ पे f जो निकलेगा वो हम आगे बता रहे हैं किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इनका मिडिल निकालना है, इनका मिडिल आप किस तरीके से निकालोगे, तो इनका मिडिल आप निकालोगे, इनका मिडिल नंबर निकालोगे 0 से 10 पहले प्लस करोगे डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड 2 किस हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। फिर इसका 11 से 20 जो कैलकुलेट करके निकल रहा है वो आप लिख दोगे, फिर 21 से 30 कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करके लिख दोगे, 31 से 40 में कितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x प्लस a डिवाइडेड बाय 2, आपका ये फॉर्मूला है कि इन दोनों को कैलकुलेट किए, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2 आपका n निकल गया, यानी कि मिडिल नंबर, वो लिख दिए। अब सिग्मा यहाँ पे m आ जाएगा, अब यहाँ पे सिग्मा f निकाल रहे, तो अब f में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मिडिल निकल रहा है ना उनमें से पूछेंगे कि इनमें से 0 में से 10 कितने बच्चों का आया, अब वो बोलेंगे सर मेरा आया 10 लोगों का, कोई बोलेगा 2 लोगों का, कोई 3, कोई 5, कोई इस तरीके से, और ये हमारा सिग्मा f निकल गया, सिग्मा f और सिग्मा m निकल गया। तो ये आपका डायरेक्ट हो गया कि डायरेक्ट में, लेकिन ये सवाल कंटिन्यूअस का डायरेक्ट में नहीं देता है क्योंकि ये आता नहीं है, बेसिकली ये आता नहीं है और ये सॉल्यूशन इसका भी है नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन जब देखने को मिलता है कंटिन्यूअस में तो एजम्पशन में और स्टेप डेविएशन में देखने को मिलता है, वो कैसे होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग फिर से इसको सेम उतार देते हैं 10, यहाँ से फिर 10 में से 20 कर देते हैं, यहाँ पे 20 में से 30 कर देते हैं, 30 में से 40 कर देते हैं, 40 में से 50 कर देते हैं, ठीक है 40 में से 50 कर देते हैं। ये आपका x निकल गया, f निकालना है, m निकालना है और यहाँ पे निकालना है fm। अब यहाँ पे निकालना है fm, fm में क्या होगा assumption भी यहाँ पे निकालना है, तो assumption के लिए हम लोग इसमें से जो frequency हम लोग का निकलता है उसका assumption लेना होता है। अब उसका assumption किस तरीके से लेंगे, इसका अगर कुछ हम लोग divide करते हैं तो 5 आ गया यहाँ पे, इसका
30, 30 में से 15 हो गया, 50 में से 25 हो गया, 40, 70 में से 35 हो गया, फिर 90 में 45 हो गया, इस तरीके से। अब इनमें से इसका एजम्पशन ले लेंगे कि 25 ले लेंगे, उसको ऊपर से माइनस कर दे, नीचे से ऐड कर दे, नीचे से माइनस कर दे, तो आपका जो आएगा वो 25 जो आपका ए है वो 25 है। अब एफएम आपको निकालना सेम उसी तरीके से कि फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे कि चलो बताओ 0 में से 10 कितने का आया, 10 में से 20 कितने लोगों का आया। अब उनको जो कैलकुलेट करोगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0 में से 10 जो है 5 लोग वहां मिडिल में निकल रहा है, अब यहाँ पे मान लीजिए 10 लोगों का 10 नंबर आया, 20 में से 10 में से 20 जो है वो 5 लोगों का है, यहाँ पे 6 लोगों का है, यहाँ पे 15 लोगों का है, यहाँ पे 20 लोगों का है, ठीक है। अब इनको जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा XYZ आएगा। अब ये जो भी आ रहा है ना उसको कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे FM लिख देंगे, अब इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे F लिख देंगे। अब जो फॉर्मूला हम लोग का बनेगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके बनेगा, इज इक्वल टू ए प्लस FM बाई F, ये हम लोग का फॉर्मूला बनेगा और इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करना है। दोस्तों कई लोग ऐसा करते हैं कि इनको इसके साथ कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर देते, तो वो गलत हो जाएगा। आपने जहां इसे एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया, एक सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एम को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, एफ एम के साथ यहाँ पे निकालना होगा, इनको कैलकुलेट करके निकालना होगा। हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्टकट एजम्पशन। और स्टेप डिविजन में भी सेम चीज होता है कि आपका जो भी अमाउंट निकल रहा है, जो भी आपका एफ एम निकल रहा है उसको और छोटा बनाना है, आपका जो भी बड़ा अमाउंट निकल रहा है उसका, जैसे कि इस सीरीज का 0 में से 10 सीरीज का आपका सबसे बड़ा अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट 10, लेकिन अब आपको उससे भी उसका छोटा बनाना है, तो उसका छोटा बनाने के लिए आपको स्टेप डिविजन का यूज करना पड़ता है, जहां पे आपको एक्स एफ एफ एम और एफ एम डी माइनस निकालना होता है, यानी कि एफ एम डी माइनस का क्या मतलब हो जाता है कि वहां पे एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी वो आपका एफ एम डी निकलता है, और जब आपका निकलेगा तो आपका सिग्मा एफ रहेगा और सिग्मा एफ डी एफ एम डी रहेगा, एफ एम डी डैश में रहेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ एम डी डैश सिग्मा एफ इंटू सी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा स्टेप डिविजन का कंटिन्यूअस फॉर्मेट के अंदर, कंटिन्यूअस सीरीज में ये आपका फॉर्मूला, एजम्पशन सीरीज में ये आपका फॉर्मूला, डायरेक्ट सीरीज में ये आपका फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला का एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आपको और भी अच्छे से आसानी हो समझने में। तो दोस्तों ये आपका आज का इंट्रोडक्शन पार्ट था, एक थ्योरी पार्ट था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे, थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते ही हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस न कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे मेंस स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।